नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज़, आपका स्वागत है। एक पति ने ही क्यों अपने पत्नी को मार डाला, रात भर बैठा रहा शव के पास। पालघर जिले में विरार पूर्व मकवाना मैदान सहयोग अपार्टमेंट में 34 वर्ष महिला को पति द्वारा गला घोटकर मारने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब तक पुलिस द्वारा आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या के आरोप में महिला के पति को विरार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। विरार पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच कई बिंदुओं से शुरू कर दी गई है। पुलिस और परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी विरार पुलिस स्टेशन में आरोपी पर मामला दर्ज था। झूठा बयान देकर महिला आरोपी पति बचना चाहता था, ऐसा बयान परिजनों ने दिया। आइए देखते हैं ये पूरा मामला क्या था। स्वतंत्र सागर न्यूज़ के लिए संवाददाता यूसुफअली की ये रिपोर्ट। हसरतुल निसा, आज ये जो मर्डर जो हुआ है वो आपकी कौन थी? मेरी ननन थी। हाँ, ननन थी। क्या क्या हुआ था आज? सर मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, हम लोग घर पे थे। मेरे बिल्डिंग के जो चौथे माले पे औरत रहती है वो मुझे आवाज़ दी है कि भाभी आपकी ननन की रोने की आवाज़ आ रही है, छोटी वाली कुछ बोल रही है। तो जब हम लोग भाग के आए, इसका 6 बजे से दरवाज़ा खुला है, हम लोग को मालूम नहीं था। और मैं अभी आई, 3-4 घंटा हुआ, जब मेरे को मालूम पड़ा जब मैं आई तो देखी ये ठंडी पड़ी थी, हाथ पैर इसका टेढ़ा हो गया था और उसका आदमी घर में उसके बाजू में बैठा था और बेडरूम में। तो हम लोग ने पूछे उससे कैसा हुआ, तो बोलता मैं पूरी रात टीवी देखा हूँ, और मुझे नहीं मालूम, शायद पलंग पर से नीचे गिर गई होगी, जब उसको काला पड़ा है। जब डॉक्टर आया है बोला ये उंगली का निशान है और गला दबा के मारा गया है, ये देशमुख बोला है डॉक्टर कि गला दबा के मारा गया है। तो हम लोग ने बोले आखिर ऐसा कैसा हुआ है, तो बोलता अरे हम गला दबा के नहीं मारे हैं और उसने शायद पलंग पर से गिरी होगी इसके वजह से ऐसा हुआ। क्या आपको लगता है कि इसी के पति ने इसकी जान ली है? सर हम लोग को 100% उम्मीद है कि यही मारा। इससे पहले भी एक मुकदमा इसके ऊपर दाखिल था 2019 में लेकर, जो कि आपकी सगी भांजी बताई जा रही थी कि ये बात सही थी। हाँ, अभी मेरे पास उसका फोटो है और उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ कि ये भांजी को लेके भागा था, नाला सुपारा 1 साल रखा था। विरार पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर एक केस किया गया था, हाँ, रेप केस का मामला था। जी 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 ठीक जी, हम लोग ने किए थे। आपका नाम? मेरा नाम शफीक आजमी। शफीक भाई क्या हुआ है आज? वही मेरे बहन बानोई का लफड़ा था, बानोई गलत था, वो बहन समझाती थी बुझाती थी कि मत ऐसा करो, गलत है ये सब। तो कुछ दिन तो ये गया जेल भी काट के आया उसी मामले में, और आया भी तो थोड़ा समझ बूझ के रहा, कुछ दिन मौका पाया, अपना काम कर दिया। आज क्या घटना घटी? सारी वही घटना की सुबह मुझे मेरी बहन रोती हुई चिल्लाती हुई बुलाई, भैया अब भी नहीं, बस यही आवाज़ मैं सुना। आप क्या चाहते हैं न्याय में, क्या चाहते हैं? न्याय में यही चाहता हूँ सर कि उस जो सही है कानून उसको वही सजा दे।